हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाती हैं, मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, यौम महशर, क़यामत के दिन इंसान से मुसलमान से जो सबसे पहले हिसाब होगा ना, वो नमाज का लिया जाएगा। अल्लाह के दरबार में खड़ा करके बंदे से पूछा जाएगा, बतला तो रब की बारगाह में सजदे कितने करके आया था, तो अल्लाह की बारगाह में कितनी बार झुका था, तूने अल्लाह की बारगाह में अपनी जबीन नियाज को कितनी बार खम किया था, कितना तू झुका था। अगर तो उसकी नमाजें पूरी होंगी तो मेरे करीम आकर सलातुस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वो बंदा कामयाब व कामरान हो जाएगा, उसे जन्नत का परवाना मिल जाएगा। और अगर नमाजें पूरी ना हुई और उनमें अगर कमी हुई तो फिर बंदे का मामला मुख्तलिफ हो जाएगा। पहला सवाल यौम क़यामत हर इंसान से क्या होगा, बोलिए कौन सा सवाल होगा? नमाज का होगा कि बतलाओ तुमने नमाजें कितनी पढ़ी थी, तुमने अल्लाह की बारगाह में सजदे कितने किए थे। आज अजब मामला है, जिस चीज का हमसे हिसाब सबसे पहले लिया जाना है वो हम करते ही नहीं है। हर वो काम कर लेते हैं जिसके बारे में हमसे सवाल नहीं होना, या जो अमल या जो काम कल जाके आपके और मेरे लिए वबाले जान बन जाएगा, हर वो काम जरूर करते हैं। और जिस काम के मुतालिक वो मालिक सबसे पहले कटहरे में खड़ा करके पूछेगा, बतला मेरे बंदे तूने नमाज़ें कितनी पढ़ी थी,